आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं और आप सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, और वो भी इल्यूजनरी नहीं बल्कि रियल। तो आप समझ जाइए कि आप रूट 66 में जा रहे हैं। यूएसए वैसे भी सपनों का देश ही माना जाता है, जहां आपको डिज्नीलैंड से लेकर हॉलीवुड जैसे बड़े बड़े मैनमेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। यही नहीं, बड़ी बड़ी नदियां, सुंदरतम झीलें, विश्व विख्यात पर्वत शिखर, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स एवं विश्व की सबसे बड़ी बड़ी नदियां भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। और यहाँ की डाइनिंग और कल्चर के तो आप फैन ही हो जाएंगे। ऐसा हो भी क्यों ना, यूएस लैंड एंड वाटर एरिया में 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। यदि आपको पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को एक रोड ट्रिप में समझना है, तो आप पकड़ लीजिए नेशनल हाईवे 66 को, जो आपको यूएस के सबसे नॉर्थ ईस्ट में स्थित शिकागो से लेकर सबसे वेस्ट कैलिफोर्निया तक लेकर जाएगा। किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग आपको अमेरिका के ज्योग्राफिकल एवं मैनमेड फीचर्स की एक स्टनिंग झांकी दिखा देगा। साथ ही आप इलिनॉइस, मिसौरी, कांसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, एरिजोना और कैलिफोर्निया जैसे 8 शानदार स्टेट्स की सैर भी कराएंगे। इन सपनों की सैर के दौरान यूएस के हार्टलैंड यानी मिडवेस्ट के फील से होकर गुजरेंगे। मिसिसिपी नदी, साउथ वेस्ट के स्टनिंग डेजर्ट्स के साथ ही कैलिफोर्निया पहुंचने पर पैसिफिक ओशन आपका इंतजार कर रहा होगा। आप फंकी रोड साइड अट्रैक्शन से लेकर इलस्ट्रियस नेचुरल वंडर्स को एक ही ट्रिप में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अलोंग द रूट मेक्सिको में आपको पेंटेड डेजर्ट मिलेगा, न्यू मेक्सिको में चाको कल्चर नेशनल हिस्टोरिक पार्क, ओक्लाहोमा में रूट 66 म्यूजियम देखने को मिलेगा, एरिजोना में ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, मिसौरी में वॉल्स आइसक्रीम, पैपी स्मोक हाउस, 66 ड्राइव इन थिएटर और गेटवे आर्क मिल जाएंगे, जो आपको लाजवाब कर देंगे। इलिनॉइस में कोजी डॉग ड्राइव इन और हेनरीज रैंच मिलने वाले हैं। साथ ही मोंटाना में आपको वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रॉकिंग चेयर भी मिलेगी। ओक्लाहोमा के कटूसा में आपको ब्लू व्हेल पार्क मिलने वाला है, जहां पर आप अपने बच्चों के साथ ढेर सारा फन और फिशिंग भी कर सकते हैं। नेशनल हाईवे 66, जो कि आज रूट 66 के नाम से मशहूर है, वो वर्ल्ड के सबसे पुराने हाईवेज में से एक है। यूएस में इसे मदर रोड के नाम से भी जाना जाता है। 1926 में यह नेशनल हाईवे स्टार्ट किया गया था एवं 2026 में इसकी शताब्दी को धूमधाम से मनाया जाएगा। आज इसे 98 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1930 में आई आर्थिक मंदी या ग्रेट डिप्रेशन के दौरान इस नेशनल हाईवे ने यूएस की इकोनॉमी को संवारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यूएस के वेस्ट से ईस्ट तक बीचों बीच चलने वाले इस हाईवे ने स्टेट्स की इंटरकनेक्टिविटी तो इम्प्रूव की ही है, साथ साथ रोड साइड उभरते एक नए अमेरिका की नींव भी रखी। नए मोटल्स, ड्राइववेज और कैफे के साथ ही कई म्यूजियम्स, पार्क्स, वाटर पार्क्स, शोरूम्स, बार्स आदि ने इसके किनारे टूरिस्ट के लिए लॉजिस्टिक्स की एक बेहतरीन श्रृंखला तैयार कर दी। इसके अतिरिक्त यूएस के भीतर इनलैंड ट्रेड्स और कॉमर्स को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 1985 में इस हाईवे को डिकमीशन तो कर दिया गया, उसके बाद रोड की चहल पहल तो कम हो गई, किंतु उसके बाद भी आज भी टूरिस्ट में इसकी लेगेसी का अट्रैक्शन बना ही हुआ है। रूट 66 आज अपनी गोल्डन पास की यादों के साथ आपका इंतजार कर रहा है। आइए और खो जाइए इसकी सपनों की दुनिया में। जय हिंद। Thank you.